बोर्ड ने एक बार फिर रिकॉर्ड समय में अपना रिजल्ट अनाउंस किया। 10th की परीक्षा में सीतापुर की प्रियांशी सोनी ने 98.33% मार्क्स प्राप्त करके फर्स्ट पोजीशन स्टेट में पाई है। वहीं इंटरमीडिएट में महोबा के शुभ चापरा ने 97.80% अंकों के साथ स्टेट में टॉप किया है। इस बार भी बेटियां जो हैं वो रिजल्ट में अव्वल रही है। हाईस्कूल के टॉप 5 मेरिट में कुल 18 बच्चों में से 9 लड़कियां हैं। वहीं इंटरमीडिएट की टॉप 5 मेरिट में कुल 30 स्टूडेंट्स हैं, उनमें 17 गर्ल्स हैं। हाई स्कूल में 89.78% और इंटरमीडिएट में 75.52% परीक्षार्थी सक्सेसफुल घोषित हुए हैं। एशिया के सबसे बड़े शिक्षा बोर्ड उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने अपनी शताब्दी वर्ष में मंगलवार को अब तक का सबसे कम समय में परिणाम घोषित कर हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर महेंद्र देव ने बताया कि हाई स्कूल में 93.34% छात्राएं और 86.64% छात्र सफल हुए हैं। इसी तरह इंटरमीडिएट में 83% छात्राएं और 69.34% छात्र उत्तीर्ण हुए हैं। लड़कों के मुकाबले हाई स्कूल में 6.7% फीसदी और इंटरमीडिएट में 13.66% लड़कियां अधिक सफल रही हैं। यूपी बोर्ड का रिजल्ट सेंचुरी में शताब्दी में सबसे कम समय में घोषित किया गया रिजल्ट है। रिजल्ट अनाउंसमेंट के बाद चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने सफल विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों को बधाई दी है और उन्होंने कहा है कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में राज्य स्तर पर टॉप 10 स्टूडेंट्स को तथा जिला स्तर पर टॉप 10 स्थान पाने वाले सभी विद्यार्थियों को सम्मानित किया जाएगा।